पप्पू यादव एक संघर्षशील नेता हैं और राज्य सरकार की विफलताओं को लेकर मुखर होकर राजनीति करते रहे, और मुझे लगता है अपनी सोच और विचारों से कांग्रेस के निकट हैं। इस चीज़ को मैं स्वीकार करता हूँ। उनकी धर्मपत्नी भी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, तो अन्य दलों की तुलना में देखेंगे तो पप्पू यादव इज वेरी क्लोज टू कांग्रेस पार्टी बाय आइडियोलॉजी। उनके संबंध भी अच्छे हैं, संपर्क भी अच्छे हैं, और हम सब की शुभकामनाएं उनके साथ हैं कि वो अपनी लड़ाई को आगे भी जारी रखें सरकार के लिए। बिहार में उपचुनाव है, घोषणा हो चुकी है, उम्मीदवार की भी ऐलान कर दिया गया है तमाम राजनीति पार्टी के द्वारा, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से राष्ट्रीय जनता दल ने अपने जो उम्मीदवार की घोषणा की उसके बाद कांग्रेस हाला खासा नाराज दिख रहा है। लगातार कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेताओं की तरफ से बयानबाजी जारी है, और जिस तरीके से कांग्रेस के कल वरिष्ठ नेताओं ने भी ये कह दिया था कि गठबंधन धर्म नहीं निभाया गया, वहीं आज हमने जब इस मसले को लेके एमएलसी प्रेमचंद मिश्रा से बात किया तो उनका क्या कहना था पहले ये सुनते हैं। हम सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं करते, लेकिन आरजेडी चूंकि एक तरफा फैसला ले लिया और हमारे सीट पर जहां मेरा क्लेम बनता था कुशेश्वर स्थान में, हमारे उम्मीदवार मात्र 5-6 हज़ार वोटों से आ रहे थे, वो अच्छी फाइट थी। और उससे पहले भी अगर इतिहास देखें उस सीट का, तो अशोक राम जी कई चुनाव वहाँ से जीते हुए, वैसा उम्मीदवार को आप इग्नोर करना, नहीं देना और अपने किसी उम्मीदवार को खड़ा करना, यह आरजेडी ने अच्छा फैसला नहीं लिया। जब आरजेडी ने अपना फैसला ले लिया तो कांग्रेस को भी फैसला लेना है। हम चुनाव लड़ेंगे और अच्छे उम्मीदवार देंगे और मजबूती से लड़ेंगे, और बिहार की राजनीति का भविष्य भी इस दोनों सीट के उपचुनाव का रिजल्ट एक तरह से तय करेगा। आरजेडी के नेता कह रहे हैं कि कांग्रेस के कुछ लोग ज़्यादा व्याकुल हो रहे हैं, कहीं वो नीतीश जी के इशारे पे तो नहीं चल रहे हैं। कौन इस तरह का बयान दे रहे हैं, उनके ज्ञान पर मुझे हंसी आती है। नीतीश कुमार के इशारे पे कौन चल रहे हैं और बीजेपी के इशारे पे कौन राजनीति कर रहे हैं, वो तो धीरे धीरे खुल ही रहा है, सामने आ रही होगा। मैं समझता हूँ अगर बिहार की वर्तमान सरकार को उनके विफलताओं को लेकर हम लगातार उनके खिलाफ बोलते रहे तो उन पार्टियों को सोचना पड़ेगा। गठबंधन तो इसलिए किया था कि हम मिलजुल कर लड़ेंगे तो एनडीए को हराएंगे, तो आज आप अकेले लड़ने की स्थिति में कैसे आ गए? यह फैसला किस सोच के आधार पर किया है? क्या यह नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं आप जेडीयू को फायदा पहुंचाना चाहते हैं? ये तमाम चीज़ें हैं, राज्य की जनता इसका फैसला करेगी। मैं समझता हूँ कांग्रेस पार्टी को इग्नोर करके इस देश में सेकुलर पॉलिटिक्स की राजनीति नहीं हो सकती है। सेकुलर पॉलिटिक्स एक विचारधारा है और उस पर खड़े होकर राजनीति करना कठिन काम है, जो कई छोटे मोटे दलों के लिए मुझे नहीं लगता संभव है। कांग्रेस पार्टी अपनी लड़ाई लड़ रही है, आगे भी लड़ेंगे, जो साथ में रहेगा रहेगा, जो नहीं रहेगा नहीं रहेगा। पप्पू यादव को लेकर सर चर्चा है, क्या कोई बातचीत हुई है पप्पू यादव को, कहा कि तारापुर से वो चुनाव लड़ेंगे कांग्रेस के टिकट पे? इसकी कोई आधिकारिक जानकारी मेरे पास नहीं है। पप्पू यादव एक संघर्षशील नेता हैं और राज्य सरकार की विफलताओं को लेकर मुखर होकर वो राजनीति करते रहे, और मुझे लगता है अपनी सोच और विचारों से कांग्रेस के निकट हैं। इस चीज़ को मैं स्वीकार करता हूँ। उनकी धर्मपत्नी भी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, तो अन्य दलों की तुलना में देखेंगे तो पप्पू यादव इज वेरी क्लोज टू कांग्रेस पार्टी बाय आइडियोलॉजी। उनके संबंध भी अच्छे हैं, संपर्क भी अच्छे हैं, और हम सब की शुभकामनाएं उनके साथ हैं कि तो अपनी लड़ाई को आगे भी जारी रखें सरकार के लिए। तो आपने सुना सीधे तौर पर प्रेमचंद मिश्रा का कहना था कि राष्ट्रीय जनता दल ने जिस तरीके से अपने उम्मीदवार की घोषणा की है और हमारे तमाम वरिष्ठ नेताओं से इस पर किसी भी तरीके की कोई बात नहीं हुई। हालांकि आपको बता दूं कि कल जगदानंद सिंह ने कहा था कि अगर बात नहीं होता तो कैसे हम अपना उम्मीदवार उतारते, तो कहीं ना कहीं बात हुई है तभी तो उम्मीदवार उतारे हैं। लेकिन आज जिस तरीके से प्रेमचंद मिश्रा ने भी कह दिया कि राजद ने गठबंधन धर्म नहीं निभाया, और अब जिस तरीके से वो उम्मीदवार उतारे तो कहीं ना कहीं अब तो गठबंधन टूट गया ना, क्योंकि उन्होंने हमारी बात नहीं मानी और वो अपने दोनों जगह कुशेश्वर स्थान और तारापुर दोनों जगह वो अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। वहीं आपको बता दूं कि कल जाप सुप्रीमो पप्पू यादव की भी रिहाई हुई है, और लगातार ये खबरें आ रही थी कि पप्पू यादव भी उपचुनाव में चुनाव लड़ सकते हैं, और वहीं जब उनसे सवाल किया गया कि खबरें ये आ रही है कि वो कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तब उस पर उन्होंने
साफ शब्दों में तो नहीं कहा, लेकिन ये कहा कि पप्पू यादव की पत्नी हमारी पार्टी से जुड़ी है और बड़ी नेत्री हैं, और वहीं पप्पू यादव की जो विचारधारा है वो हमारी पार्टी के विचारधारा से मिलते हैं। तो संभवतः ऐसा हो सकता है, लेकिन किसी भी तरीके की स्पष्ट रूप से प्रेमचंद मिश्रा ने जवाब नहीं दिया। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि तेजस्वी यादव की जो राय हैं वो लगातार मुश्किल जो है वो बढ़ती जा रही है, क्योंकि एक तरफ जहाँ राजद कह रही है कि दोनों सीटों पर अपने उम्मीदवार की घोषणा उन्होंने कर दिया है और शीर्ष नेतृत्व के बात करने के बाद ही घोषणा की, वहीं लगातार कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं वो लगातार ये कह रहे हैं कि राष्ट्रीय जनता दल ने गठबंधन धर्म नहीं निभाया है और अब जिस तरीके से वो उम्मीदवार उतार रहे हैं तो संभवतः हम भी अपने उम्मीदवार उतारेंगे। और आपको बता दूं कि आज इस मसले को लेके कांग्रेस के तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया जा सकता है, लेकिन अब देखने वाली बात है कि कब कांग्रेस प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है और क्या कांग्रेस अपने उम्मीदवार को उतारती है नहीं। से जुड़ी तमाम खबरें लाइव बिहार देते रहेगा, अभी के लिए इतना ही, नमस्कार। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।